नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस। तो आइए, एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक उत्पाद लेकर आया हूं, एक प्रोडक्ट लेकर आया हूं, जिसका नाम है ग्लोइट। आइए, ग्लोइट कैसे फसलों में काम करता है, इसके क्या क्या कार्य हैं, आइए जान लेते हैं। ग्लोइट, जैसा कि नाम से जाना जाता है, ग्लो मीन्स चमक। ये दानों को चमकदार व ठोस बनाता है और बालियों को स्वस्थ। ग्लोइट में प्रोपिकोनाजोल 13.9%, डेफिनोकोनाजोल 13.9% ऐसी फार्मूलेशन में है। ग्लोइट बेहतर दानों का कलर और क्वालिटी को मेंटेन करता है। ग्लोइट का इस्तेमाल 50% बालियां निकलने पर स्प्रे करना चाहिए। अधिक उपज और गुणवत्ता के लिए एक आधार तैयार करता है। ग्लोइट एक प्रणालीगत फफूंदनाशक है जो उच्च गुणवत्ता और मात्रा संबंधी फायदे प्रदान करता है, जब सही डोज और सही समय पर इसका स्प्रे किया जाए। तो आइए जान लेते हैं ग्लोइट के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा, फसल की गुणवत्ता और उपज दानों में प्रभावशाली ढंग से सुधार लाता है। नंबर दो, ये प्रोडक्ट उत्पादकों या किसानों के लिए उच्च लाभ प्रदान करता है। नंबर तीन, तेज क्रिया करने वाला प्रणालीगत फफूंदनाशक ग्लोइट को पत्ते द्वारा तेजी से सोख लिया जाता है और ये सुरक्षा प्रदान करता है। नंबर चार, ग्लोइट लंबे समय तक सुरक्षित और ये बीमारी की घटना की जांच करता है, फसलों में संक्रमण और नई बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। नंबर पाँच, ग्लोइट बारिश में धुलता नहीं है। नंबर सिक्स, ग्लोइट के स्प्रे करने के 2 घंटे के अंदर पौधों द्वारा सूख लिया जाता है। आइए जान लेते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरीके से फसलों के अंदर काम करता है। तो ग्लोइट एक सिस्टमिक फंजीसाइड है और प्रोटेक्टिव एंड क्यूरेटिव एक्शन है। यानी प्रोटेक्टिव का मतलब होता है ये फसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, और क्यूरेटिव का मतलब होता है आई हुई बीमारी को भी कंट्रोल करता है, इसीलिए इसका प्रोटेक्टिव और क्यूरेटिव एक्शन है। टारगेट डिजीज़ कौन कौन सी हैं, आइए जान लेते हैं कौन कौन सी डिजीज़ और फंगस पर काम करता है। तो ग्लोइट लीफ डिजीज पर बहुत अच्छा काम करता है, पत्तों पर जो बीमारियां आती हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा फ्यूजेरियम बिल्ट आती है, ये अलग अलग क्रॉप में अलग अलग बीमारियां आती हैं, तो फ्यूजेरियम बिल्ट को ये बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेता है। सीथ ब्लाइट को भी ये कंट्रोल करता है। डर्टी पेनिकल्स, मतलब जो बालियां गोब से बाहर निकल के आती हैं तो वो काली होती हैं और दानों में उनका कालापन रहता है, जिसके वजह से हमको सही रेट नहीं मिल पाता है, तो उस पर ये ग्लोइट बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। आइए जान लेते हैं कौन कौन सी फसलों पर ग्लोइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मूंगफली और वीट है, यानी जिसको हम कनक बोलते हैं, पैडी, जीरी में और सब्जियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताने जा रहा हूँ। धान या जीरी की फसल को सही अवस्था पर जल प्रबंधन और फसल की कटाई करना चाहिए। धान या जीरी की परिपक्वता के 15 दिन पहले सिंचाई को बंद कर देना चाहिए। 80% दाने पक जाएं तो फसल को काट लेना चाहिए। धान या जीरी की कटाई में देरी नहीं करना चाहिए, देरी होने की वजह से दाने बिखर जाते हैं। और एक चीज़ का हमको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, दुग्ध अवस्था में 1 से 2 सेंटीमीटर पानी के लेवल को बनाए रखें। आइए बात कर लेते हैं इसकी डोज की। तो जीरी में इसकी डोज 150 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए और पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं
और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से इस दवाई के बारे में सारे किसान भाइयों को पता लग जाएगा और वो भी इस दवाई को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे।